सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, और पेन पेंसिल पैमाने वगैरह निकाल लो क्योंकि लेफ्ट राइट बहुत घूमना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलो इसको पढ़ते हैं। IAS 2020 के बहुत मैच हुए इस बार। चलो पढ़ो ध्यान से थोड़ा। अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कोई आदमी है जो अपने घर की पीछे की साइड से टहलना शुरू करता है, स्ट्रेट 25 मीटर, यानी मान लो ये उसका घर है। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो पहले एक काम कर लिया करो, आप इस टाइप से डायरेक्शन बना लिया करो। डायरेक्शन तो सब लोग बनाना जानते होंगे ना, नहीं जानते तो सीख लो, सब्सक्राइब करके सीखा करो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है भाई, ये डायरेक्शन होते हैं, साउथ ये डायरेक्शन होते हैं। अब वो कह रहा है कि कोई बंदा है जो अपने घर के पीछे की साइड से, पिछले वाले दरवाजे से स्ट्रेट 25 किलोमीटर चला। तो मान लो हमने सोच लिया कि किसी का घर यहाँ पे बना हुआ है, डायरेक्शन इसीलिए लिया ना हमने, ये घर बना हुआ है किसी का, ये ठीक है। यहां से उसने क्या करा, घर के पीछे की साइड, चलो अभी मान लो यही है, ये मान के चलते हैं कि वो इधर की साइड से पीछे की तरफ 25 किलोमीटर चल दिया अपने घर के पीछे की साइड से, यहां आ गया मान लो, ठीक है 25 मीटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है कि देन टर्न्स टू द राइट। अब कोई इंसान ऐसे खड़ा है, ऐसे तो मेरा राइट हैंड तो ये है ना, ये वाला है, इस तरफ मुंह करके चल रहा है, तो वही वो कह रहा है कि देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन। तो कोई इंसान ऐसे खड़ा है, उसका राइट हैंड ये है, तो वो मुड़ेगा तो कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा ना, तो वही वो कह रहा है कि वो मुड़ गया ऐसे, ये मुड़ गया यहां तक, ठीक है मार्कर बदल लो। और फिर बोला मुड़ के कितना चल गया वो, 50 मीटर। फिर स्ट्रेट ही चला है, पहले भी स्ट्रेट चला 25 मीटर, फिर 50 मीटर स्ट्रेट चला। अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है, देन ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट। अब कोई इंसान ऐसे जा रहा है, ये राइट है मेरा, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट की साइड मुड़ेगा तो कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा ना, वो ये कह रहा है टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है भाई लेफ्ट की तरफ ऐसे मुड़ गया, एंड अगेन वॉक 25 मीटर, इधर मुड़ा तो फिर से 25 मीटर चल दिया, ये आ गया 25 मीटर, यहाँ आ गया वो। अब वो क्या कह रहा है, इफ हिज हाउस फेस टू द ईस्ट, ओहो इसका मतलब हमारा तो अजम्पशन ही ठीक हो गया। मतलब वो ये कह रहा है जो इसका मेन गेट है घर का, जो दरवाजा जिसमें से गाड़ी घुसती है, वो बोल रहा है कि इसका दरवाजा मेन ईस्ट की साइड है, ठीक है फेस उसका ईस्ट की साइड है घर का, तो व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये बच्चा यहां से जब चला था तो अब वो पूछ रहा है कि ये यहां पहुंच गया तो अब इसका डायरेक्शन क्या है। IAS 2020 का क्वेश्चन है ये, समझाने में टाइम लगा है मेरे को, वरना तुम पढ़ते तो टाइम नहीं लगता। यहां से एक लड़का चला 25, 50, 25, यहां खड़ा हो गया आगे, घर का मुंह भी बता दिया क्वेश्चन में कि पूरब की साइड है, तो ये कौन सा डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नहीं जानते, नॉर्थ वेस्ट का नाम सुना है कभी, नॉर्थ वेस्ट यही तो आंसर है इसका, समझ गए। ऑप्शन में क्या था, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, ये इसके ऑप्शन थे, हो गया क्वेश्चन। ये रहा इस डायरेक्शन में खड़ा, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में खड़ा हुआ है बच्चा, ये रहा नॉर्थ वेस्ट वाले में। चलो आ जाओ अगले में।